गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, हम मंदिर से अभी आए हैं और कपड़े गीले हो गए थे इसलिए हमने चेंज कर लिए। अपना घर दिखाती हूँ, चलिए। ये घर के सामने का आंगन है। यहाँ बहुत तरह तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे अच्छे अच्छे। अब हम जा रहे हैं ऊपर सीढ़ियों से। बालकनी है यहाँ पर। ये कमरा किराए से लिए, यहाँ कोई किराए वाले रहते हैं, ये उनका कमरा है। और ये हमारे लिए है पर्सनल कमरे, मतलब ये दोनों भैयाओं के कमरे है। अब ये भी खाली है, अगर रेंट से दे सकते हैं इसको भी, लेकिन ये हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही रखा है। छोटे भाई का कमरा है, यहाँ वो अपना वर्क करते रहता है। आईटी सेक्टर में जॉब है उसकी। अभी तो लॉकडाउन के कारण वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। आज हरियाली अमावस्या है तो आज कुछ स्पेशल बन रहा है लगता है। मम्मी क्या बना रही है? मम्मी बना रही है मंगोड़े मूंग दाल के। ये पहले दाल को धो रही है। एक मूंग दाल है और एक पतीले में शायद चने की दाल है। चने की दाल और मूंग दाल के मिक्स मंगोड़े काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और वैसे मम्मी के हाथ की तो सारी रेसिपी बहुत टेस्टी ही बनती है और मैं सारी चीज़ें उनसे ही सीखी हूँ। मुझे तो कुछ आता नहीं था पहले, बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे ही सीखी हूँ बनाना। अब ये मंगोड़े के लिए दाल धोकर हो गई है। अब इसमें मिर्ची है, अदरक है, लहसुन है। इसको मम्मी अब पीस रही है मिक्सर के जार में। अब मंगोड़े के लिए तो रेडी हो गया। अब हम बना रहे हैं एक मिठाई, जो ये दूध को फाड़ी है मम्मी ने पहले। दूध को मतलब मिल्क केक टाइप से कुछ बना रहे हैं, मिल्क केक जैसी मिठाई दूध को फाड़ करके। ये है मिल्क फटा हुआ दूध और ये है मिल्क पाउडर और ड्राई फ्रूट्स और ये है थोड़ा सा इलायची का पाउडर। अब हम मिठाई के लिए पहले नारियल को नारियल के कीस को भूंज रहे हैं थोड़ा सा घी में। हल्का हल्का भूनना है धीमी आंच पर। फाइनली अब हमारी मिठाई लगभग तैयार हो चुकी है। अब हम पूजा की तैयारी करते हैं, पूजा करेंगे। शाम की पूजा है ये हमारी। चलिए, पापा की हो गई पूजा करके। अब मैं शाम को मतलब तुलसी जी को दिया लगा लेती हूँ। आंगन में है तुलसी जी का पेड़। अब हमारी पूजा हो गई, ये लोग खाना खाने बैठ गए हैं। रात का खाना हो रहा है, इसके बाद हम भी खाना खाएंगे सब लोग और फिर इसके बाद हम सोएंगे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं आज बहुत जल्दी उठ गई। आज मायके में हूँ तो पता नहीं, बहुत जल्दी नींद खुल गई। एक्चुअली यहाँ चारों तरफ उजाला ही उजाला आता है, बहुत जल्दी नींद खुल जाती है यहाँ पर। मैं सोच रही हूँ थोड़ा मॉर्निंग वॉक करके आ जाया करें। बालाघाट का सरेखा बाईपास वाला एरिया है, इधर है मम्मी लोग का घर। ये एक्चुअली ये इस इतने भाग को तो बालाजी नगर बोलते हैं, बालाजी नगर के नाम से जानते हैं। ये बालाघाट का
ये जो घर है स्टेशन, रेलवे स्टेशन यहाँ से पास में ही है, रेलवे स्टेशन के पास में ही घर है मम्मी का। ये मम्मी का है छोटा सा गार्डन, यहाँ पर इन्होंने बीच में सीजन के हिसाब से हर चीज़ लगाते हैं। यहाँ बीच में प्याज भी लगाई थी, लहसुन भी लगाई थी, मिर्ची भी लगाई थी, बैंगन भी लगाई थी। मिर्ची तो लगी है अभी भी, ये मिर्ची दिख रही है आपको, मिर्ची है यहाँ लगी हुई, एक कड़ी पत्ता है, ये खूब सारी मिर्ची है इसमें, तो रेड भी हो गई। जगन्नाथ का फूल है। मैं आज जल्दी उठ गई, मैं भी जल्दी नहीं उठती, तो मैं सोच रही हूँ अब छत पे ही थोड़ी देर टहल लूँ। मौसम भी आज बहुत अच्छा है, पानी भी नहीं आ रहा है, और यहाँ की हरियाली तो बहुत अच्छी लगती है मुझे, यहाँ पे फोटो भी बहुत अच्छी आती है। मम्मी पापा ने क्या क्या लगा रखा है यहाँ पे, तुवल, सेमी फली, करेला, नींबू, बड़ी वाले पत्ते, अरबी पत्ते, पीपल का पेड़, पुदीना, एंड ये है लहसुन जो हमेशा फलते रहता है, बारहमासी लहसुन बोलते हैं इसको, मतलब एनी टाइम फलते ही रहता है, वाले लहसुन से काफ़ी अलग होता है। इसके भी चीले अच्छे लगते हैं वैसे। बनाना शेक फ्रेंड्स, अब हम सुबह का नाश्ता कर लेते हैं, साथ में यहाँ पे बनाना शेक भी है, और फ्रेंड्स सुबह का नाश्ता करने से दिन भर एनर्जी बनी रहती है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप स्टैंड देख रही है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर बाय कर सकते हैं। पहले वाले से इसके 55 है, उसकी 50 ही थी। बज रहे दोपहर के 12, मेरा नहा के हो गया है, सभी लोगों का नहा के हो गया है, लोग खाना खाने बैठे। आज है सोमवार, और मैं पहले खाना खाने से पहले थोड़ी पूजा फ्रेंड्स, ये मेरी जो वाइफ हैं उनके भैया हैं, तो इनका मोबाइल बहुत दिनों से इन्हें ऑर्डर करके रखे थे, तो ये आ गया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स ये कौन सा मोबाइल है, चलो इनकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फटाफट। तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये मोबाइल है, आप देख रहे हो कौन सा मोबाइल, वन प्लस का मोबाइल लिए इन्होंने। अगर आपको भी मोबाइल परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड बहुत ही अच्छा मोबाइल है ये, बहुत ही शानदार मोबाइल। फ्रेंड्स मैं क्लास के लिए रेडी हो गया हूं, अब क्लास जाना है मेरी 4 बजे से, और फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैं आज एक ही क्लास है सिर्फ 6 बजे तक। फ्रेंड्स मैं कोचिंग के लिए निकलने वाला था, लेकिन अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई, और आज मैं रेनकोट लाना भी भूल गया हूं। सकते हैं कितने ज़्यादा बारिश हो रही है, और ये यहाँ पे इतना ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, देख सकते हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, भयंकर ही तेज़ बारिश हो रही है, इधर भी आप देख सकते हो, ये यहाँ पर। पानी का वेट करते करते तो आज 6 बज गए, आज ये क्लास भी नहीं जा पाए, तो हम तो आज यही रुकने वाले हैं।
तो फाइनली पानी बंद हो चुका है और क्लास तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन अब थोड़ा सा मार्केट जाना है तो मार्केट से कुछ ख़रीदारी करके लाना है। फ्रेंड्स, हम यहाँ सुमित बाज़ार नाम के एक दुकान में पहुँच गए हैं, बहुत बड़ी दुकान है फ्रेंड्स, लेकिन इन्होंने वीडियो बनाने से मना कर दिया, बस इतना वीडियो बना पाया फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग मार्केट से आ चुके हैं। हम मार्केट इसलिए गए थे कि ये जो त्यौहार रहता है हरियाली अमावस्या का, इसमें मम्मी के मतलब मम्मी पापा मायके वाले पहले त्यौहार की लड़कियों को साड़ी लेते हैं, कपड़े लेते हैं। ये त्यौहार मायके में ही मनाया जाता है, तो आज हम मेरे लिए कुर्ती ले दिए एक जो मैंने पहनी है, और इसके अलावा ये साड़ियाँ हैं, दो साड़ियाँ काफ़ी अच्छी लग रही है साड़ियाँ भी। वैसे साड़ी लेने का ही दस्तूर रहता है, लेकिन मैंने बोला कि मुझे एक कुर्ती भी चाहिए, तो ये मेरे लिए कुर्ती ले दी है, कुर्ती लेगी और दो साड़ी। बोलती मार्केट से आने में हमको काफ़ी टाइम हो गया है, अब हम लोग खाना बना रहे हैं, फूल गोभी की सब्जी, दाल चावल रोटी। फ्रेंड्स, ये इसके हाथ में देख रही है मिठाई है, कल जो बनाए थे, कौन सा नाम था, क्या नाम था, मिठाई मिल्क केक मिठाई, बहुत टेस्टी थी, बहुत टेस्टी बनी है, दिन भर से खा रही है।